शुक्रवार को नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, शहर की सीमा में सटे धीमरी गांव में पिछले काफी समय से स्थानीय लोग पानी में गंदगी और बदबू की शिकायत कर रहे थे, लेकिन नगर निगम अधिकारियों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दो दिन पहले पानी से किसी जानवर के बाल जब आए तो लोगों ने हंगामा किया, जिस पर आज नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन खोलकर चेक की तो उसमें मरे हुए 3 बंदर निकले, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी हंगामा भी किया। जलकल कर्मियों के मुताबिक पाइप की जाली टूटने से बंदर इसमें फंस गए होंगे। जलकल विभाग द्वारा 2500 किलोलीटर क्षमता वाली मैना ठहर के ओवरहेड टैंक से पूरी धीमरी क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति की जाती है। 20,000 की आबादी वाले धीमरी में 3 दिन से पानी में बदबू और बाल मिल रहे थे। पानी में बदबू होने की शिकायत मेयर विनोद अग्रवाल और जलकल विभाग से की गई है। उसे ठीक कराने का आश्वासन मिला। लोगों का कहना है कि पानी में लगातार बदबू आ रही थी। इस दौरान बिजली ना होने से पानी नहीं आया, पर कुछ गलियों में पानी बदबूदार था। गुरुवार को एक बार फिर शिकायत की गई। शुक्रवार को विभाग की टीम धीमरी में अंबेडकर पार्क के पास पहुंची। विभाग के सुपरवाइजर राजू मेहताब व टीम ने गड्ढा खोदा तो पाइप में एक 8 इंच की पाइप में कुछ फंसा सा लगा। पाइप को काट कर निकाला गया तो उसमें बंदरों के शव मिले। एक साथ 3 बंदर देखकर जलकल और क्षेत्रीय लोग भी हैरान रह गए। बताया जाता है कि इसमें 2 बंदर के बच्चे और 1 बंदरिया थी। इसके बाद लोगों ने वहां मौजूद कर्मचारियों से नाराजगी दिखाई। इस मामले में जीएम जलकल प्रमोद कुमार ने बताया कि लोगों ने पानी ना आने की शिकायत की थी, जिस पर आज कर्मचारियों को भेजकर चेक करवाया गया। जाली टूटने की वजह से बंदर उसमें फंस गए थे, लेकिन फिलहाल पूरी टंकी को साफ कराया जा रहा है और लगभग समस्या को दूर कर दिया गया है। ये सोन किरण, ये किस जगह का मामला है, कैसे क्या था? ये धीमरी गांव का मामला है सर। कौन सा थाना क्षेत्र में आता है ये? अंबेडकर मूर्ति और मझला थाना आता है। तो कैसे क्या हुआ था ये? कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले पानी गंदा आया था। कुछ लोगों ने शिकायत करी इसकी, तो शिकायत पर कुछ अमल ना किया गया। अब आकर के शिकायत हुई है, तो देखा यहाँ पे एक बंदर निकले इसके अंदर पाइप पे। अच्छा, 3 बंदर निकले। कौन सी टीम आई? नगर निगम की टीम? नगर निगम की टीम आई थी सर। उन्होंने यहाँ पे काम अभी भी चल रहा था, सीएसआई कर रहे हैं वो इसको। पता कैसे लगा कि क्या मामला? टंकी खोल के देखी तो उसमें पानी गंदा आ रहा था, बदबू आ रही थी, और कहीं पानी नहीं आ रहा था। फंसे हुए थे उधर साइड में, नहीं आ रहा था। जिधर नहीं फंसे थे उधर पानी आ रहा था, तो उसमें बदबू आ रही थी और गंदा गंदा पानी आ रहा था, इसलिए लोगों को शक हुआ। फिर नगर निगम क्या करा? क्या करा, वो टंकी खोल के देखी तो उसके अंदर बंदर फंसे हुए निकले पाइप पे 3। क्या नाम है आपका? ये कैसे क्या मामला है, किस जगह का क्या है? ये धीमरी गांव नवासी मंजोला थाना। ये यहाँ पे पानी नहीं आ रहा था 2-3 दिन से। 50 साइड को पानी नहीं चल रहा था इसका, तो जब पानी नहीं चल रहा था, जब देखा गया हमें इधर को पानी नहीं आ रहा, पीछे पीछे पानी आ रहा था, तो उसके बाद में नगर निगम वालों को बुलाया गया, तो उन्होंने खुदाई करी। खुदाई करने के बाद पैप काटने के बाद में जब उसको पता चला, जब उसको खोला है तो उसमें बंदर के बच्चे निकले थे, तो और एक बंदरिया थी, सड़ रही थी बहुत बुरी तरीके से, बदबू इतनी आ रही थी बहुत ज़्यादा। क्या लगता है इसमें कैसे गिर गया हुए? जी ये तो किसी ने डारे गया हुआ है, जो वहाँ से जहाँ से टंकी है वहाँ का तो कोई संबंध नहीं है, इतनी दूर से पानी आ रहा है। क्या हुआ इस मामले में फिर? अब वो इसके बारे में सोच रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया है, नगर निगम वालों को बुलाया गया, अधिकारियों को। हम इसे कैसे हुआ कह रहे, चलो आप सफाई कर देते हैं। अब और जहाँ जहाँ बंदे हैं वहाँ पे बंद सब खोल के जब सफाई करेंगे, 10 बजे के बाद पानी आएगा कल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।